हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जा रही हूँ बांद्रा हिल रोड। तो वहाँ पे बेसिकली मैं करने वाली हूँ 1000 रुपीज़ चैलेंज। बेसिकली वहाँ से मैं एक आउटफिट पिक करूँगी जो अंडर 1000 रुपीज़ होगा। उसमें हमारा जीन्स, हमारा जो टी शर्ट होता है, हमारा जो एक फुल आउटफिट होता है वो मैं उसमें लेने वाली हूँ। वैल्यू बांद्रा आपको मिलती है मार्केट में। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ हिल रोड से वापस। तो बेसिकली मैंने वहाँ से 1000 रुपीज़ का चैलेंज किया था। आपको मार्केट टूर तो दिखा दी है, आई होप आपने देखा हो। उसके दो पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि मिस मत करना। काफ़ी अच्छा खासा नया कलेक्शन आया है मार्केट में, और वैसे भी अब दिवाली आ रही है, शॉपिंग तो सबको करनी होगी। तो एक बार हिल रोड का आप कलेक्शन देख लेना, दो वीडियो है, और काफ़ी अच्छे मैंने जो कलेक्शन है वो इस बार चूज़ किए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 1000 रुपीज़ के चैलेंज में मैंने क्या लिया वहाँ से। तो बेसिकली अगर हमें एक आउटफिट बनाना है तो हमें चाहिए होगी जीन्स। अगर आप वेस्टर्न में अगर आप ड्रेसेस वगैरह पहनना चाहो तो वो पहन सकते हो, बट मुझे जीन्स चाहिए थी क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रेट लेग जीन्स नहीं थी, तो मुझे वो चाहिए थी। और एक गाइस, हिल रोड में इतनी वैरायटी है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लेना क्या है। तो आप अगर कोई चैलेंज कर रहे हो तो आप अपने मन में पहले पिंटरेस्ट पे देख लो कि आपको क्या बाय करना है, और आप सोच के जाओ कि आपको यही बाय करना है। एक्चुअली मैं वही सोच के गई थी कि मुझे क्या बाय करना है, उसके अलावा मैंने कहीं फोकस नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए आप फिर भी ले लेते हो। तो बेस्ट होगा कि आप एक चैलेंज ले लो, आप 1000 रुपीज़ के अंडर आपको एक आउटफिट पिक करना है। तो वही मैंने किया था, फिर रोड गई और मैंने वहाँ से जीन्स पिक करी 500 रुपीज़ की। तो 500 रुपीज़ की इतनी प्यारी जीन्स है कि मैं क्या बताऊँ, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये कहाँ से लिया है। ये मैंने लिया है जो बाटा शोरूम के अपोजिट में शॉप है अमजद भाई की, तो उनके यहाँ से मैंने ये लिया है। तो बेसिकली उनके यहाँ पे अभी जीन्स 600 के रेट पे चल रही है, 500 के रेट पे चल रही है, तो आपको 500 रुपये की ये जीन्स मिल जाएगी। और रही बात इसकी ऑल्टरेशन की, उसका भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी लेंथ थोड़ी बड़ी है वो भी आपको करके दे देंगे, ऑल्टर वो करके दे देंगे। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी ऑल्टरेशन करवाना है वो लोग आपको 10 मिनट में करके देते हैं। उसके लिए मैंने एक प्यारा सा ब्राउन कलर का जो टॉप है वो पिक किया है उसके सामने वाली शॉप में। बेसिकली इनके पास 500 रुपीज़ के 3 कलेक्शन थे, 3 टॉप थे, आप कोई सा भी पिक कर सकते हो, बट हमारा तो 1000 रुपीज़ का चैलेंज है। उसमें मैं 500 के अगर 3 टॉप ले लूँगी तो मेरा वेस्ट हो जाता। तो मैंने एक टॉप पिक किया था जो मुझे पड़ा था 200 रुपये का। तो 200 रुपये में ये 200 रुपीज़ में ये एक अच्छा बाय है, आपको थोड़ा सा क्लासी वाइब मिलती है। अगर आपको कहीं जाना है और एक सिंपल सा आप लंच डेट पे अगर जा रहे हो तो उसके लिए ये एक परफेक्ट टॉप है। अपनी जीन्स के साथ आप इसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास पैसे बचे थे तो मैंने फुटवेयर भी ले लिया। फुटवेयर मुझे पड़े थे ये 200 रुपये के। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 600 रुपीज़ के 3 पेयर ऑफ फुटवेयर मिल रहे थे, तो उसमें से मैंने पिक करे थे ये। ये काफ़ी प्यारे हैं। आई नो मेरी जो जीन्स है वो स्ट्रेट लेग है, तो उसमें अगर मैं कुछ हील्स पेयर करती तो वो ज़्यादा बेटर लगता स्टाइलिंग करने के लिए, बट मेरे पास ऑलरेडी हील है तो मुझे लगा मुझे ये पिक करना चाहिए। और ये इतने प्यारे हैं, मेरे आउटफिट पे जा भी रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें हील्स ही पहनना है, अगर आपको एक अच्छा सा फुटवेयर कंफर्टेबल मिल जाए तो आप ये भी पहन सकते हैं, क्योंकि हर लोग हील्स में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट मैंने हील्स के साथ पे भी इसको स्टाइल किया है और इसके साथ में भी इसको स्टाइल किया है। तो गाइस, मुझे मेरा आउटफिट बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक ये 900 रुपीज़ का मैंने ये पूरा
आउटफिट बना दिया था। आपको याद होगा कि मैंने कोलाबा का जो एक किया था 1000 रुपीज़ चैलेंज, उसमें बेसिकली मुझे 1000 रुपीज़ में एक टॉप और जीन्स दो चीज़ मिली थी। उसके अलावा मैं अपनी फुटवेयर तो ले ही नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा महंगाई है, बट यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ के अंडर में तीन चीज़ ले ली। तो और क्या चाहिए, अगर आप कहीं जा रहे हो डिनर डेट पे या लंच डेट पे और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप 1000 रुपीज़ में अपना एक अच्छा खासा आउटफिट वहाँ से तैयार कर सकते हो। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में। बाय गाइज़।